Hey friends, welcome back to a new video. जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी PVR वर्सेस INOX के फूड का कंपैरिजन किया हुआ है और उसमें PVR जीत के आया था। तो भाई आज हम PVR को भिड़ाने वाले हैं भाई दूसरी सारी ब्रांड्स से। और वो ब्रांड्स कौन कौन सी है और कैसी है और उसमें से क्या फूड लिया है और क्या जीत के आता है PVR का या फिर दूसरी ब्रांड का, तो वो सारी चीजें जानने के लिए आज की वीडियो पूरी देखना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर करना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चले बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। यस, सो लेट्स गो। रेडी भाई? स्टार्ट करें? रेडी ना? हाँ। अरे यार, तू ये फोन में क्या कर रहा है? सब फूड ट्राई करना है, वीडियो बनानी है। सॉरी भाई, सॉरी, ये हैमस्टर मैन या गेम खेलने से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। एक हफ्ते पहले ही मुझे पिनअप पर मिली थी और मैंने ह्यूज प्रॉफिट किया है। क्या भाई, हैमस्टर मैन या क्या है ये? बताता हूँ, ये देख, ये पिनअप पर बहुत ही ट्रेंडी गेम है। ये खेलना बहुत ही इजी है और बड़ी मजेदार है, जिसकी सभी को लंबे थकान भरे दिन के बाद जरूरत होती है। और इसका बेस्ट पार्ट, इससे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। पिनअप पर इस गेम के साथ अभी आपको बेनिफिट भी होता है। ये देख, सिर्फ मैं ये एक वीक से खेल रहा हूँ और ये मेरा प्रॉफिट देख। क्या, और तूने ये ऑलरेडी विड्रॉ भी कर लिया? हाँ, सेम डे पर सीधा मेरे अकाउंट में। पिनअप पर विड्रॉल्स बहुत ही तेज है। वाह भाई, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? पिन कमेंट में दी गई लिंक को फॉलो कर, उससे वेलकम ऑफर मिलेगी अप टू 4.5 लाख प्लस 250 FS फर्स्ट डिपॉजिट पर। दैट्स इट। गेम भी बहुत ही मजेदार और इजी है, तुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 10 सेकंड्स लगेगी। पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक कर, प्लेटफॉर्म पर अकाउंट रजिस्टर कर और गेम ढूंढ के सीधा खेलना शुरू कर। दैट्स इट। वाह भाई, अभी ज्वाइन करता हूँ। तो जैसे कि आपको बताया कि आज हम भिड़ाने वाले हैं PVR को बहुत सारी ब्रांड्स है। और जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी PVR वर्सेस INOX तो किया हुआ है और उन दोनों में से PVR जीत के आया है। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है PVR INOX एक हो चुके हैं, दोनों की मिली भगत है। तो हमने सोचा कि भाई अभी दोनों को अंदर तो भिड़ा दिया हमने, लेकिन अभी जो जीता है उसको ऐसी ब्रांड के साथ भिड़ाएंगे कि भाई ऐसे लगे उसको भी खौफ लगना चाहिए लड़ते। तो इसके लिए हम ऐसी आज ब्रांड्स लेकर आए जो मल्टीनेशनल है, जो इंडिया के बाहर भी है और इंडिया में तो है ही है। तो इसी से ना आपको पता चल जाएगा कि भाई PVR का जो फूड है वो आपको खाने में ज्यादा मजा आता है या फिर जो दूसरी मल्टीनेशनल ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल है उनका फूड। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि भाई बाहर जो मिलता है वो प्रॉपर फूड मिलता है, और PVR में या फिर कोई भी मल्टीप्लेक्स में अगर आप जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि भाई इससे अच्छा तो बाहर ही मिलता है। तो भाई बाहर जाके खा लेंगे, अंदर नहीं खाना है। तो आज वही हम मिथ को ऐसे ब्रेक करने का ट्राई करेंगे कि भाई आपको पिक्चर देखने जाना है तो पिक्चर से पहले खाना है, मूवी देखते देखते खाना है या फिर मूवी के बाद खाना है। Yes, तो आज ये जो सारा कंफ्यूजन है ना वो आज क्लियर हो जाएगा। तो भाई आपके लिए भी इजी रहेगा अभी। हाँ, क्योंकि हम वो भी देखेंगे कि भाई बाहर सस्ता मिलता है ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स का या फिर PVR में सस्ता मिलता है, फिर फूड की क्वालिटी, फिर टेस्ट कैसा है, क्वांटिटी, भाई सारा कुछ चेक करेंगे। तो भाई आपके दिमाग से निकल जाएगा कि भाई आपको पिक्चर देखते देखते जो खाना है उसमें जो झिझक होती है ना, साला बहुत महंगा मिलता है या फिर मजा नहीं आता है, फिर पिक्चर में भी ध्यान नहीं रहेगा, खाना भी अच्छा नहीं आएगा, तो साला पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो आज वही सारी चीजें हम चेक करने वाले हैं और इसमें आपकी इतनी मस्त हेल्प हो जाएगी कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी मूवी देखने जाओगे तो आपको दिमाग में क्लियर होगा कि भाई पहले खाना है या बाद में खाना है या फिर मूवी देखते देखते खाना है। Yes. तो सबसे पहली चीज हमने ली है पनीर सैंडविच। अभी आप सोचोगे कि यार मूवी देखने जाते तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में आती है वो आती है पॉपकॉर्न। Yes. तो आप वो क्यों कंपेयर नहीं कर रहे, सबसे पहले तो वो करना चाहिए। तो भाई देखो, पॉपकॉर्न ऐसी चीज है, वो एक रिचुअल है। हाँ। कि मूवी देखते हैं तो भाई पॉपकॉर्न तो आपको उधर ही मजा आएगा, वो चीज आप बाहर अलग जैसे बैठकर तो नहीं खाओगे। हाँ। है ना, मूवी देखते देखते ही खाने में मजा आता है। तो वो आज हम नहीं काउंट कर रहे हैं क्योंकि पॉपकॉर्न ऐसे बाहर कोई ब्रांड के मिलते भी नहीं है जो इतने मल्टीनेशनल ब्रांड है उसमें। हाँ। और वो चीज आपको मूवी देखते देखते खाने में मजा आएगा ही आएगा, तो वो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आपको लेना ही लेना है। Yes, वो तो लेना ही है भाई। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, हाँ नहीं अच्छे लगते तो जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अच्छे लगते हैं तो भाई वो पॉपकॉर्न को हम गेम से बाहर निकालते हैं। तो अभी बात है सैंडविच की, तो मेरे पास है PVR की। और वैसे जिसको नहीं पता उनको बता देता हूँ, PVR का है ना वी कैफे बाई PVR करके जोमेटो पर है। Yes. तो वहां से आप जो PVR में खाना वो लोग बेचते हैं वो खाना आप इधर घर पे मंगवा कर भी खा सकते हो। Yes. तो ये हमने जोमेटो से ऑर्डर किया है और सेम चीज मैंने स्टारबक्स से भाई ऑर्डर किया सैंडविच, और जो प्राइस हम बता रहे वो जोमेटो की है। तो भाई अगर आप आउटलेट पर जाओगे तो आपको 15-20-30 रुपए सस्ता भी पड़ेगा। हाँ, और PVR में भी आप खाओगे तो शायद प्राइस का डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहले प्राइस। हाँ, प्राइस भाई फटाफट बोल दे। मेरे को ये PVR की सैंडविच मिली है 209 रुपए में।
और मेरे को स्टारबक्स की ये जो सैंडविच पड़ी है वो है 265 रुपीज में। हो 56 रुपीज ज्यादा। हाँ और साला मैं तो ऐसा सोचता कि थिएटर में जो खाना मिलता है ना वो बहुत महंगा मिलता है लेकिन सस्ता है भाई। तो चलो सबसे पहले इसको बॉक्स के बाहर निकाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नजदीक से कि ये कैसी दिखती है। तो ये रही पीवीआर की सैंडविच और ये है स्टारबक्स की सैंडविच। तो पीवीआर की सैंडविच पास से देख लो, ये है ना ग्रिल की हुई है और इसके अंदर क्या क्या है वो आपको एक बार दिखा देते हैं। ओहो विशु पनीर तो देख कितना सारा है, कैप्सिकम प्याज पनीर येलो बेल पेपर भी है। हाँ भाई। और ये कुछ सॉस भी डाला है उन्होंने, वो कौन सा है समझ में नहीं आता, शायद चीज वाला होगा मेयोनीज। नहीं नहीं चीज वाला नहीं है, जो तंदूरी पनीर सॉस आता है ना। और ये अभी देख लो स्टारबक्स की सैंडविच। तो भाई ये ब्राउन ब्रेड है और इसके अंदर ओ भाई ये क्या पत्ता किस चीज का डाला है पता नहीं भाई, ये किस किस भाई ये महंगी है ना। ओहो भाई तो पनीर है और चीज है और ये पत्ता है, बस बात खत्म। कौन सा पत्ता है वो समझ में आना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं। लेकिन ये देखो भाई चीज भी भर भर के डाला है। ओहो इसमें भी पत्ता है। तो अभी सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे पीवीआर की सैंडविच जो कि भाई मस्त ऐसे ग्रिल की हुई है और उसके ऊपर ऐसे चौकटे चौकटे दिख रहे हैं और बड़ी है भाई साइज में। ये वाली है ना टोस्ट की है शायद, लेकिन उतना उसके ऊपर वो नहीं दिख रहा ना जितना उसके ऊपर दिख रहा है। आधी आधी करूं? हां आधी आधी कर दे भाई। यस ये ले। वाह भाई वाह। लेकिन पीवीआर की सैंडविच है ना देखने से एकदम जूसी लग रही है। और मेरा अबे मेरा था वो अबे साले चिंदी। चलो जो भी है अभी टेस्ट करते पीवीआर की सैंडविच इन 3 2 1। साले खा भी लिया। भाई मस्त है यार, बेहतरीन। मैं बहुत बढ़िया बेहतरीन में कंफ्यूज हो गया। भाई बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। वैसे आपको ड्राई नहीं फील होती है? तो अभी ट्राई करते हैं स्टारबक्स की सैंडविच को। मेरे को लगता है इसके अंदर जो सॉस था ना पीवीआर में उसमें चीज का कुछ था, चीज सॉस, क्योंकि चीज वाला टेस्ट तो आ रहा था लेकिन चीज दिख नहीं रही है। सबसे पहले पत्ता ट्राई करते हैं ना। पत्ता किस चीज का है भाई? पालक। हाँ पालक है ये। पालक का पत्ता डाला होगा। पालक का है भाई। चलो सही है, अभी टेस्ट करते हैं स्टारबक्स। मेरे को तो उतना नहीं मजा आ रहा। स्टारबक्स की सैंडविच है ना ड्राई बहुत लग रही है। हाँ ये देखो ये उसका कोना है ना एकदम पत्थर हो चुका है। ये देखो और जो टेस्ट है ना प्रॉपर सैंडविच वाला वो पीवीआर के सैंडविच है ना उसमें से ज्यादा आ रहा है भाई। स्टारबक्स की सैंडविच ऐसी है जो खाते टाइम है ना आपको उसके साथ में स्टारबक्स की कॉफी भी लेनी पड़ेगी। यस हाँ ये लोग है ना ऐसा क्रॉस बहुत ब्रांडिंग करते हैं, मतलब ऐसा कि एक चीज दूसरी चीज के बिना अधूरी है वैसा लगता है। तो भाई सिर्फ अकेली खानी होना सैंडविच तो स्टारबक्स की मैं तो अवॉइड करूंगा और वो तो महंगी भी है ना भाई 56 रुपए ज्यादा है। हाँ उससे अच्छा है भाई पीवीआर की सैंडविच खा लो मस्त जूसी जूसी, मूवी देखते देखते भाई मजा आ जाएगा। फ्लॉप मूवी भी देखोगे ना तो भी भाई मजा आ जाएगा, हिट लगेगी हिट। तो सैंडविच के मामले में पीवीआर जीता। तो अगली चीज हमने ली है स्पाइसी पनीर बर्गर। मेरे पास है पीवीआर का स्पाइसी पनीर बर्गर और मेरे पास है मैकडॉनल्ड्स का मैक स्पाइसी पनीर बर्गर। मैकडॉनल्ड्स का है तो आगे मैक लगना जरूरी होता yes. है। तो ये जो पीवीआर का स्पाइसी पनीर बर्गर है वो आया है 199 रुपीज में और ये जो मैकडॉनल्ड्स का पनीर बर्गर है वो आया है 215 रुपए में, यानी कि भाई ये 16 रुपए महंगा। 16 रुपए महंगा। चलो भाई तो अभी दिखाई कर देते इसकी मुंह की। मुंह की दिखाई, लेकिन ये भाई ये साइज में बहुत छोटा मुझे दिख रहा है। अरे ये ऐसे ही दे दिया, जो लोग स्पेशल बर्गर देते हो ऐसे नंगा बर्गर देते हैं बॉक्स के अंदर। भाई इतना छोटा कब से हो गया मैकडॉनल्ड्स का बर्गर भाई। लेकिन भाई ये तो बहुत केस कुछ ठोक देंगे ना, तू पर्सनल स्पेस में ज्यादा घुस रहा है आजकल। ओहो और ये है पीवी। अरे यार ये पीवीआर के बर्गर में टमाटर साइड पर गिर रहे हैं। ये पीवीआर का बर्गर कुछ ऐसा दिखता है, इसके ऊपर तिल बहुत भर भर के है। और इसका अगर बन देखने जाए ना तो मीडियम है, बहुत फ्रेश भी नहीं है और बहुत ऐसा पुराना वाला भी नहीं है भाई। लेकिन ये ऐसे दबने के बाद ऊपर तो आता है लेकिन उतना ऊपर नहीं आता जितना
एकदम फ्रेश बन आना चाहिए। हाँ भाई इसके अंदर इसके ओ पनीर की पूरी पूरी टिक्की है। ओ भाई साहब चिपक गई है पूरी, क्योंकि आई शाबाश कुछ सॉस डाला है। और अंदर देखो टमाटर के 4 टुकड़े, लेटस है थोड़ी और एलेपिनो। हाँ 3 ये पिकल के टुकड़े डाले, एलेपिनो बोलो पिकल बोलो जो भी है। और फिर नीचे सॉस है और लेटस भी है भाई, एक दो ऐसे पन्ने देख। हाँ एक पत्ता है लेटस। तो ये रहा मैकडॉनल्ड्स का मैक स्पाइसी पनीर बर्गर, जिसके ऊपर तिल बहुत ही कम है। हाँ और अभी इसको भाई दबाते हैं। ए ये तो टूट भाई टूट जा रहा है, फ्रेश नहीं है देख उतना, पीवीआर जितना फ्रेश नहीं है। ये ना दबाने से ऐसे बासी फील नहीं हो रहा, लेकिन टूट जा रहा है। हाँ तो भाई सॉफ्ट है लेकिन टूट जाता है एक तरह से, वही हुआ ना बासी है थोड़ा। ये स्मार्ट बासी हुआ, किसी को समझ में ना आए। ओए होए भाई ढेर सारा चीज सॉस, लेटस और भाई वही सेम पनीर की टिक्की एक बड़ी वाली। और इसके नीचे क्या है? कुछ नहीं है, टमाटर नहीं है इसके अंदर और एलेपिनोज नहीं है। यस और 15-16 रुपए महंगा भी है। हाँ तो आपने देख लिया कि ये दोनों बर्गर के अंदर कितना फर्क है। ये एकदम ऐसे ऐसे खड़ा हुआ लगता है और ये ऐसे बैठा हुआ लगता है। और थोड़ा ये छोटा है भाई साइज की अगर कंपैरिजन की बात करूं तो ये थोड़ा छोटा है भाई मैकडॉनल्ड्स का बर्गर छोटा है। इसके अंदर तिल ज्यादा है, बन थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, थोड़ा सा नहीं काफी फ्रेश लग रहा है। एटलीस्ट ये टूटता नहीं है पीवीआर का बन, ये दबाने से टूट जाता है मैकडॉनल्ड्स वाला। सबसे पहला है भाई इस बार ये मैकडॉनल्ड्स का ट्राई करते हैं। वैसे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर तो अच्छे ही आते हैं। भाई चाय पूरी टिक्की के अंदर पनीर। तो अभी ट्राई करते हैं पीवीआर का पनीर बर्गर, जिसके अंदर टमाटर एलेपिनोज एक्स्ट्रा है। यस जो मैकडॉनल्ड्स वाले में नहीं है। मेरे को इसकी मेन जो पनीर की टिक्की है ना उसका टेस्ट मेरे को जानना है कि कैसा है। तो ये बिल्कुल वैसी है पूरी पनीर से भरी हुई। पीवीआर वाला थोड़ा चटपटा लग रहा है, चटपटा और थोड़ा ऐसा वो स्पाइसी साइड है। नाम के हिसाब से अगर स्पाइसी पनीर बर्गर आप देखो है ना तो भाई ये पीवीआर का है। हाँ ये स्पाइसी है, मैकडॉनल्ड्स वाला उतना स्पाइसी नहीं लगेगा। भाई मैं तो इसकी तरफ जाऊंगा क्योंकि ये कितना 16 रुपया सस्ता भी है। हाँ और साइज में भी थोड़ा इससे बड़ा है और वेजिटेबल्स भी इसमें ज्यादा है थोड़ा। हाँ और अगर आपको मूवी देखते देखते ये मिल गया हाँ तो भाई निकल पड़ी आपकी। सही है तो भाई दोनों के अगर कंपैरिजन में मैं मेरी भी अगर काउंटिंग करूंगा वोट किस में जाएगा वो तो भाई पीवीआर पे जाएगा। तो अगली चीज है पिज्जा, तो मेरे पास है पीवीआर का पनीर पिज्जा और मेरे पास है डोमिनोज का भाई पनीर पिज्जा। ये मेरा वाला शायद तंदूरी पनीर है। हाँ तंदूरी पनीर और ये इंडी पनीर, इंडी तंदूरी पनीर। हाँ भाई वही है, मतलब इसके आगे सिर्फ इंडी लिखा है बाकी इसके आगे नहीं है। जैसे मैकडॉनल्ड्स में कैसे वो बर्गर में मैक लिखता है वैसा है, बाकी दोनों तंदूरी पनीर पिज्जा है। यस तो अभी प्राइस की बात कर लेते हैं। पीवीआर का तंदूरी पनीर पिज्जा आया है 349 रुपीज का। ओ और ये जो डोमिनोज का पिज्जा आया है वो है 319 का। वो सस्ता है भाई। भाई डोमिनोज की ये गेम है ना, लास्ट टाइम भी हमने जो पिज्जा वाला वीडियो किया था उसमें भी डोमिनोज है ना इतनी कॉम्पिटिटिव प्राइस में आता है ना कि भाई बाकी सारे कॉम्पिटिटर को ऐसे खदेड़ देता है। वही तो देखने जाए तो भाई 30 रुपया सस्ता तो कोई छोटी बात नहीं है भाई। और ये भी कितनी बड़ी ब्रांड है भाई डोमिनोज। तो अभी पहले मुंह दिखाई करते हैं दोनों पिज्जा की बारी बारी। सबसे पहले डोमिनोज की बारी। ओ भाई साहब भाई मस्त है दिखने में, तो मस्त है भाई डोमिनोज का पिज्जा अच्छा है। तो अभी बारी है पीवीआर की जो 30 रुपए महंगा है। नो नहीं भाई इसमें सिर्फ ऐसा सॉस ही डाला है लेकिन भाई मुझे ये अच्छा दिख रहा है। और ये जो क्रस्ट है ना वो ऐसा रेडीमेड नहीं है, जो वो बेस आता है ना पिज्जा का वो ऐसे ऊपर चीज डाल जैसे, के जैसे डोमिनोज बनाता है उस तरीके का ही है। ऐसे वो डो रखते हैं फिर उसके ऊपर ऐसे 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 करके हाँ सेम ही है, फिर बिछा के उसके ऊपर टॉपिंग्स डाल के बस बात खत्म। पीवीआर का पिज्जा पास से कुछ ऐसा दिखता है। उसके अंदर देखो ऑनियंस डाली हुई है और पनीर के पीसीस है, चीज है और तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। ये सॉस लगा हुआ है वही है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और ये डोमिनोज का पिज्जा देख लो, इसमें भाई पनीर फिर कैप्सिकम डाले फिर रेड पेपरिका और ऊपर ये जो सॉस डाला है वो पता नहीं भाई कौन सा फ्लेवर का है। लेकिन ये मेरे को दिखने में ना ज्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर दिख रहे हैं, इंग्रेडिएंट ज्यादा दिख रहा है और ये अट्रैक्टिव भी मेरे को ज्यादा डोमिनोज का लगा है। क्योंकि भाई ये देखो ये सारा आड़ा तिरछा डाला है ना उसके चक्कर में भाई ये खतरनाक दिखता है। यस भाई देखने जाए ना तो पीवीआर का पिज्जा थोड़ा बड़ा है। यस भाई देख लो साइज में आप
एक इंच जितना तो बड़ा है ये, एक इंच का डिफरेंस है ये बड़ा है, देखने की बात कर रहा हूँ, टेस्ट करेंगे तो फिर शायद मामला पलट भी सकता है, लेकिन ये है ना ऐसे थोड़ा मतलब इतना चटपटा नहीं लग रहा देखने से पीवीआर वाला, और डोमिनोज वाला है ना देखते ही ऐसा तंदूरी पनीर नाम आता है ना फिर तो वो ऐसे उसके नाम के साथ इसका लुक जाता है। ये सिर्फ है ना मुझे दिखने में ये क्यों अच्छा लग रहा है पता है, ये जो ऊपर डाला है ना जो सॉस है उसकी वजह से, सॉस डाला है फिर पेपरिका भी है फिर ये देख कैप्सिकम भी है, इसमें कैप्सिकम भी नहीं है पेपरिका भी नहीं है सिर्फ प्याज है पनीर है और चीज है और सॉस डाला है बस। क्रस्ट की क्वालिटी हम चेक करेंगे, देखो ये डोमिनोज का जैसे आता है वैसा ही है, थोड़ा सा हार्ड हो गया है क्योंकि भाई थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है भाई, ये भी बहुत हार्ड है और ये भी नहीं ये ही बहुत हार्ड है, हाँ ये थोड़ा ज्यादा हार्ड है भाई पीवीआर का, ये तो भाई डोमिनोज का उतना हार्ड नहीं हुआ है, दबने से मतलब ऐसे दबाने से दबता है पीवीआर, लेकिन ये तो पत्थर जैसा हो गया है ये देखो। ओहो सबसे पहले पीवीआर का पिज्जा ट्राई करते हैं भाई, ये तो पूरी एक स्लाइस ही दे दे मुझे, तो भी पीवीआर का पिज्जा टेस्ट करते हैं। बहुत लाइट टेस्ट है ना, एकदम चटपटा नहीं है भाई। हाँ, और एक चीज अब यहाँ तक आ जाओगे ना फिर इससे आगे इधर आप नहीं जा पाओगे, और एक चीज भाई जो पिज्जा सॉस का टेस्ट रहना चाहिए ना वो नहीं आ रहा है, वही तो बोल रहा हूँ एकदम लाइट है, और ये क्रस्ट देखो भाई ये आप नहीं खा सकते, चबाने से है ना आपका जबड़ा पूरा दर्द हो जाएगा, लेकिन शायद भाई ये चीज अगर गर्म होती तो इतनी हार्ड नहीं होती, लेकिन ठंडी तो अभी दोनों है ना। हाँ तो अभी ट्राई करते हैं डोमिनोज पिज्जा जो मेरे को देखकर बहुत ही लजीज लग रहा है। हाँ और सॉफ्ट भी है ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे ना मुड़ता है ये देखो, और ये वाला तो भाई कोई चांस ही नहीं है कैसा मुड़ जाए, बहुत कड़क है ये। चलो टेस्ट करते हैं डोमिनोज का तंदूरी पनीर पिज्जा, हिंदी तंदूरी पनीर। सॉसी चटपटा सॉफ्ट, एक पिज्जा के अंदर जो चाहिए वो सारा कुछ है इसके अंदर। मैं पिज्जा के मामले में डोमिनोज को पीवीआर बीट नहीं कर सकता, एटलीस्ट हम जो खा रहे हैं वो पिज्जा में। तो अगली बारी है चीजी फ्राइज की, तो मेरे पास है पीवीआर वी कैफे की चीजी फ्राइज जो आई है 179 रुपीज की, और मेरे पास है मैकडॉनल्ड्स की चीजी फ्राइज वो मुझे पड़ी है 157 रुपीज में। ओ 22 रुपीज का डिफरेंस है। यस भाई ये सस्ती है और पीवीआर की महंगी है भाई, पिछली दो चीजों में पीवीआर महंगा होता जा रहा है। हाँ, और टेस्ट भी उतना खास नहीं है पिज्जा के मामले अभी तक, पिज्जा में ऐसा हुआ है, दूसरी चीज अभी ये चेक करेंगे तब पता चलेगा कि महंगी वाली में क्या मजा है। तो सबसे पहले हम मुंह दिखाई कर लेते हैं। चीजी चीज, ओ भाई इसका चीजी सॉस मैकडॉनल्ड्स का पूरा अलग है। हाँ मैकडॉनल्ड्स का येलो है पूरा, वो ऑरेंज टाइप का, और इसका प्रॉपर व्हाइट है। हाँ चीज के जैसा कलर है। ये देख लो भाई पीवीआर की फ्राइज नजदीक से कुछ ऐसी दिखती है, और इसका जो चीज है ना वो जैसे हम नॉर्मल जो चीज खाते है ना, कौन सा आता है विशु पता है ना? नहीं पता है। अरे जो घर पे खाते है हम वो घर पे खाते हैं, वो घर वाला चीज साले लेकिन वैसा ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, मतलब चीज है और फ्राइज है, बिल्कुल सिंपल है ये। और ये है मैकडॉनल्ड्स की चीजी फ्राइज, लेकिन भाई देखो फ्राइज तो भाई ऑलमोस्ट सभी सेम ही आती है, लेकिन ये जो सॉस है मेन भाई वही गेम चेंजर है, क्योंकि ये जो डिफरेंट है भाई मैकडॉनल्ड्स का, और इसके मजा अंदर है ना वो छोटे छोटे मतलब पिकल्स के टुकड़े भी आते हैं ना। हाँ तो अभी सबसे पहले टेस्ट करते पीवीआर की चीजी फ्राइज जो कि भाई सिंपल प्लेन चीज है और कुछ भी नहीं है चीज के अंदर। देखो चीज और फ्राइज टेस्ट भी वैसा ही है, चीज और फ्राइज का कैसे आता है, किसी को अगर सिंपल वाला चीज अच्छा लगता हो ना तो आपको भाई ये फ्राइज अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी। अभी बारी है मैकडॉनल्ड्स की और उसके यूनिक चीजी सॉस वाले फ्राइज की, भाई इसकी रेसिपी अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। एक बात बोलू, ये चीजी है लेकिन जो चीज का जो प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए वो इसमें से आ रहा है। हाँ। ये थोड़ा है ना वो सॉस टाइप का टेस्ट है इसका। ये चीज सॉस है, नो डाउट चीज का टेस्ट आता है मैकडॉनल्ड्स वाली में से। लेकिन अब ये पीवीआर वाली का होगा ना तो भाई प्रॉपर चीज का टेस्ट आएगा। मेरे को तो दोनों अच्छी लगी, किसको वोट दूं समझ में नहीं आ रहा भाई। देखो आपको जैसी अच्छी लगे वैसे आप फ्राइज खा सकते हो, लेकिन हमको एक को तो जीताना है। सस्ती कौन सी है?
हाँ सस्ती मैकडॉनल्ड्स की है। हाँ तो मैं इसको ही जिताऊंगा। देखो ये अगर सस्ती होती ना, हालांकि ये आज डिस्काउंट में हमको मिली है, ये कितने में मिली? 129 रुपीस में, तो भाई एक तरह से देखने जाए तो भाई इससे भी सस्ती है। हाँ ये पीवीआर के मेन्यू में ही उनकी प्राइस 179 काट के 129 लिखा था, तो वैसे देखने जाए तो 129 की मिली हमको, लेकिन हमने आपको उसका ओरिजिनल प्राइस बताया क्योंकि डिस्काउंट हर जगह हर किसी को शायद नहीं मिल सकता। हाँ भाई हम प्राइस पे इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सच में कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी 129 का प्राइस देखो ना तो मेरे को फिर पीवीआर ही अच्छा लगेगा। पर फिर तो भाई ये सस्ती है तो फिर यही मैं इसकी तरफ ही जाऊंगा ना। अगर आपको 129 में मिलती है तो पीवीआर की ले लो, लेकिन 179 की है तो भाई इसको अवॉइड कर सकते हो और ये आप मैकडॉनल्ड्स में जा सकते हो। अगली बारी है रैप की। मेरे पास है पीवीआर का वेजी पैटी रैप और मेरे पास है सबवे का आलू पैटी रैप। हाँ आलू पैटी सिग्नेचर रैप। हाँ तो भाई दोनों के पास ये वेजिटेबल की पैटी वाला रैप है, तो वैसे देखने जाएंगे तो आलू वेजिटेबल ही हो गई। तो अरे ये साले कपड़े निकाल दिए तूने, वो बंदा अंदर रह गया। यार तू क्या करता रहता है, वो बेचारा बाहर निकल गया पूरा। मैं अच्छे से पैक नहीं किया था। ओहो इसको तो जबरदस्त भाई, ये लंबा है। हाँ और ये ऐसा वो थोड़ा ऐसा छोटा और वो ठीक है, जाड़ा है, जाड़ा है, साइज सेम ही है ना भाई। सेम ही। हाँ अगर इसको ऐसा कर दे, इसकी साइज जितना बना दे तो ये भी इतना मोटा हो जाएगा ना। सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी देखते हैं कि भाई पीवीआर के रैप के अंदर क्या दिया है। ये पूरा चिपक गया है लेकिन एक तरीके से अच्छा है ना चिपकना। हाँ कि खुलकर सब गिर ना जाए वही। ये मेरे को इतना बुरा लगता है ना किसी रैप को खोलना, ऐसे पॉप करते हो ना जैसे कुछ ना करने वाला काम करते हो, समझ में कैसे आएगा अंदर क्या है सबको अगर बताना है तो। फिर ये खोलना तो अरे ये निपटा निपटा के साला इसको ही ठीक कर दिया है क्या, अंदर माल कम है, ये रोटी ज्यादा पड़ी है इसकी, टोर्टिला बोलते वो। नहीं नहीं निकला भाई, निकला पैटी निकली। हाँ लेकिन भाई बहुत कम है, देख ये बर्गर वाली पैटी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया है। हाँ आधा चंद्रकार काट दिया है, फिर टमाटर है, येलो बेल पेपर है, प्याज है और कैप्सिकम, फिर ये जो पेपरिका जो बोलते हैं। हाँ। नहीं अपना एलेपिनो, एलेपिनो, फिर ये मटर के दाने है देख। तो ये रहा सबवे का आलू पेटी रैप और ये थिक ज्यादा है और हाँ। पैकिंग इसका भी भाई वैसा ही है चिपकने वाला। हाँ ये भी चिपका हुआ है भाई, ये गीला गीला सब रहता है ना इसके अंदर सॉसेस वगैरह। हाँ इसके अंदर भाई मेरे को ज्यादातर है ना वेजेस लेटस दिख रहा है, फिर लेटस के बाद ये जो पैटी है ज़ुकीनी, नहीं इसको क्या बोलते, ककड़ी बोलते नहीं, ककड़ी है भाई, ये लोग ज़ुकीनी नहीं यूज करते हैं, लेकिन अच्छा। इसमें ना भाई वेजिटेबल्स बहुत है देख, टमाटर की स्लाइस है, फिर अपने कुकुम्बर है वो है, फिर ये एलेपिनो, ब्लैक ऑलिव्स, प्याज, ब्लैक ऑलिव्स इधर तो बहुत सारे विशु। ये देख ये कितने सारे ब्लैक ऑलिव्स है। यस, तो इसमें भी वेजिटेबल्स ज्यादा है, जो ये पैटी रहती है ना उसकी साइज तो सेम ही है पैटी के अंदर, इसमें भी मेन आलू ही है, तो वैसे तो दोनों को आलू पेटी रैप बोल सकते हैं हम। तो अभी सबसे पहले टेस्ट करते हैं पीवीआर वाला रैप। हाँ लेकिन देखने जाए ना तो पीवीआर वाला अंदर से ऐसा लगता है कि इसमें वैरायटी कम है, लेकिन भाई मेन प्राइस की बात कर लेते हैं। हो प्राइस तो पता नहीं रह गई, मेरा वाला यानी कि पीवीआर वाला आया है 149 रुपीस का। अच्छा और ये जो सबवे का रैप आया है वो है, भूल गया। हाँ भूल गया, 290 बाई 290 रुपीज का, ऑलमोस्ट डबल ये हक भी दी। उसकी प्राइस सुन के पीवीआर वाले की सिट्टी मिट्टी गुल हो गई। अबे नहीं पीवीआर वाला सोच कर ऐसे घबरा गया, साला मेरे से डबल, ये किससे पंगा ले लिया मैंने। चलो भाई टेस्ट करते पीवीआर का जो आधी प्राइस का है ऑलमोस्ट सबवे से। भाई रैप की क्वालिटी बहुत मस्त है और ये ना पूरा ग्रिल किया हुआ है देखो, और जो टेस्ट है ना वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, सबवे का ग्रिल नहीं किया है ना। बहुत बढ़िया लगा, इसकी पैटी का टेस्ट भी अच्छा है। सही है भाई, पीवीआर का रैप जितना सोचा था ना उससे कई गुना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे प्रो लेवल का लगता है, ऐसा नहीं लगता कि भाई ये कोई थिएटर वाला रैप होगा ये, तो साला है सबवे का रैप। एक बार अगर आपने ऐसे देखने के लिए हमने जो खोला है ना फिर उसको बंद करना बहुत मुश्किल होता है। चलो टेस्ट करते हैं अभी सबवे का रैप, इसमें वेजिटेबल्स ये देखिए सारा ककड़ी वकड़ी ज्यादा है इसके अंदर। हम्म
ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें ना वेजिटेबल सॉस, वेजिटेबल भी ज्यादा है, सॉसेस भी ज्यादा है। लेकिन मैं देखो मेन प्राइस का डिफरेंस है। अगर सिर्फ टेस्ट की बात करोगे ना तो मैं सबवे खाना पसंद करूंगा, क्योंकि वो सॉसी भी है, वेजिटेबल्स भी बहुत ज्यादा है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखो ना सबवे भी थोड़ा हेल्दी है। लेकिन अगर आपको सिर्फ टेस्ट अच्छा चाहिए, प्राइस भी थोड़ी कम चाहिए, तो भाई ये जो पीवीआर का रैप है ना वो अच्छा लगा। आधी प्राइस में तो फिर तो देखो ये कंडीशन पर हम इसको वोट देते हैं। अगर टेस्ट चाहिए बहुत ही बढ़िया, न्यूट्रिशन चाहिए, अगर हेल्दी वेल्दी देखोगे तो फिर ये खाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डबल प्राइस देकर लेकिन आपको चटपटा थोड़ा चाहिए और पैसे भी उतने खर्च नहीं करना है तो भाई ये बेस्ट है, क्योंकि ये चटपटा ज्यादा है। और दूसरी चीज, मूवी देखते देखते ना आप सबवे का रैप नहीं खा सकते, क्योंकि वो खाते खाते इधर गिरेगा उधर गिरेगा भाई, फिर आप इधर स्टोरी गई भाड़ में, आप इधर साफ सफाई किधर क्या गिरा, किधर किसके कोने में क्या घुस गया, वो सारी चीजें ढूंढने में निकालने में ही मूवी खत्म हो जाएगी। तो उससे अच्छा है भाई पीवीआर का ही रैप खा लो मूवी देखते देखते और मजे करो। और देखने जाए तो भाई पीवीआर जीत गया है। और इतनी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स है, जैसे कि भाई मैकडोनल्ड्स ले लो, डोमिनोज ले लो, सबवे ले लो, फिर स्टारबक्स, माय बाप। तो भाई वैसे रतन टाटा सर जी को भाई हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है, लेकिन स्टारबक्स हम अभी तक नहीं अफोर्ड कर सकते। तो जो भी है भाई वो तो देखो सबकी अलग अलग कहानी रहती है, जिसकी जितनी बड़ी जेब उसका उतना बड़ा शौक, उतना बड़ा बिल। तो वही हो गया। तो जो भी है, लेकिन भाई हम आज के हिसाब से अगर देखने जाए, मूवी देखते देखते अगर आपको खाना है तो पीवीआर में जाओ, बिंदास मस्त मूवी देखो और फिर ये सारी चीज़ों का आनंद उठाओ। और अगर आपको ऐसा हेल्पफुल रहा है ये वीडियो तो मूवी देखते देखते हमको याद कर लेना। हाँ, आप वीडियो तो देखते हो, आपको तो फ्री में सब मज़ा मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे वीडियो के नीचे आप ऐसे साइड पर जाओगे ना तो थैंक्स बटन होगा, उसके ऊपर ऐसा मस्त डॉलर का साइन होगा, तो उसके ऊपर ऐसे क्लिक करके आपको जो पैसा भेजना है वो आप भेज सकते हो, ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी और चैलेंजेस ला सकें। और ऐसा कंपलसरी नहीं है भाई, जिसको अगर बहुत ऐसे मन करता है कि भाई आकाश भाई और विश्व भाई को हमको सपोर्ट करना है तो कर सकते हो, ताकि हम ऐसी और बढ़िया बढ़िया सी वीडियो ले पाए और ऐसी भी वीडियोस कर पाए जिसमें पैसा बहुत लगता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।